हमारे देश में एक कहावत है कि भारतीय जहां रहते हैं वहां छा जाते हैं। फिर चाहे भारतीय के मूल के ऋषि सुनक हों, कमला हैरिस हों या सुंदर पिचाई हों, जब किसी देश में भारतीय अपनी पहचान बनाते हैं तो ये किसी गौरव से कम नहीं होता है। आज हम आपको भारतीय मूल के नील मोहन के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिरकार ये नाम इन दिनों चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्यों इस शख्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं। नील मोहन वो नाम है जो अब भारतीय मूल के उन सीईओ की सूची में शामिल हो चुके हैं जो दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों को संभाल रहे हैं। दरअसल नील मोहन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी YouTube के नए सीईओ बन गए हैं। भारतीय मूल के नील मोहन YouTube की मौजूदा सीईओ सुसान वोजिकी की जगह लेंगे। सुसान वोजिकी 9 साल तक YouTube की सीईओ रही। नील मोहन इससे पहले YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर थे। ऐसे में उन्हें लंबे समय तक सुसान वोजिकी के साथ काम करने का अनुभव है। खबर में हम आगे बढ़े इससे पहले आपको बताते चलें कि आखिरकार कौन है नील मोहन। नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियर में पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की डिग्री ली। आपको बता दें कि नील के करियर की शुरुआत ग्लोरिफाइड टेक्निकल सपोर्ट से हुई थी। साल 2008 में नील गूगल में उस समय शामिल हुए थे जब उनकी पुरानी कंपनी डबल क्लिक को गूगल ने खरीद लिया था। नील मोहन फिलहाल यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। वे ये नवंबर 2015 में यूट्यूब के साथ जुड़े थे। उन्होंने यूट्यूब में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए शॉर्ट्स, म्यूजिक और सब्सक्रिप्शन पर फोकस किया। नील मोहन माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक्सेंचर कंपनी के साथ की। अपनी नई जिम्मेदारी में नील मोहन ने कहा कि वो इस महत्वपूर्ण मिशन को जारी रखने के लिए उत्साहित है और नए भविष्य की आशा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि धन्यवाद सुसान वोजिकी, वर्षों से आपके साथ काम करना अद्भुत रहा। आपने यूट्यूब को रचनाकारों और दर्शकों के लिए एक असाधारण घर बना दिया। मैं इस महत्वपूर्ण मिशन को जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ। अब सवाल उठता है कि आखिर सुसान वोजिकी ने इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल टिकटॉक और फेसबुक की रील्स जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो सेवाओं और नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के बीच यूट्यूब के विज्ञापन राजस्व में लगातार दूसरी तिमाही में गिरावट आई है। शायद इसी दबाव में सुसान को अपना पद छोड़ना पड़ा। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।